हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूनिट टू जो यूजीसी नेट के सिलेबस में दी गई है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम वेरिएबल्स, इसकी डेफिनेशन, इसके कितने टाइप्स होते हैं, हाइपोथेसिस और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है उसमें कहीं गैप है, कोई फैक्ट है जो कोई वेरिएबल है जो स्टडी नहीं किया गया है। मान लीजिए आप इंटेलिजेंस और एंजाइटी का परफॉर्मेंस पर इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो फिर आप इस पे स्टडी करना चाहते हैं तो आपका ये जो टॉपिक रहेगा इससे रिलेटेड, इसके रिलेवेंट जितने भी लिटरेचर होंगे उसको आप रिव्यू करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि लिटरेचर या जो भी स्टडीज हुई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसमें हार्डवर्क की बात ही नहीं की गई कि हार्डवर्क भी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये एक गैप है कि हार्डवर्क भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर परफॉर्मेंस एंड हार्डवर्क हैज नॉट बीन स्टडीड इन द पास्ट। तो ये एक इमर्ज करेगी यहाँ से एक प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवर्क एंड परफॉर्मेंस। फिर कभी कभी ये भी होता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट होते हैं आपकी जो रिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस कहा कि इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस पे होता है, उसको फोकस किया। कुछ लोगों ने हार्डवर्क को कहा, लेकिन एक फैक्टर और भी हो सकता है जिसको आप ले सकते हैं, डेडिकेशन या कुछ भी ले लीजिए कि डेडिकेशन भी होना चाहिए फॉर परफॉर्मेंस, तो ये फैक्टर की बात नहीं हुई है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं कि हार्डवर्क किसी ने इसको फोकस किया, किसी ने इसको फोकस किया और किसी ने इसको फोकस किया या इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो इस तरह से अगर इफ़ यू फाइंड अ कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट इन द पास्ट लिटरेचर तो ये एक प्रॉब्लम इमर्ज कर सकती है, यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आप उसको रिसर्च को कंटिन्यू करें इस प्रॉब्लम को लेकर। फिर जैसे कि ये थर्ड वाला था डेडिकेशन, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, एक और फैक्टर है जो पास्ट में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो वहाँ से भी एक प्रॉब्लम इमर्ज हो सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रॉब्लम्स के, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, जो भी रिलेशनशिप आप देख रहे हैं अपनी प्रॉब्लम में वो बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम आपकी क्वेश्चन फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एंजाइटी अमंग स्कूल चिल्ड्रेन। फिर दूसरा हो सकता है कि जो रिलेशनशिप आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आपने प्रॉब्लम्स का उसको एक स्टेटमेंट में होना चाहिए या जो रिलेशन शो होना चाहिए इज हायर आईक्यू रिलेटेड टू क्लासरूम अचीवमेंट, कि जो हाई आईक्यू वाले हैं वो क्लासरूम अचीवमेंट से रिलेटेड है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम होनी चाहिए दैट शुड बी एम्पेरिकल, मतलब वो टेस्ट की जा सकती हो और डेटा होना चाहिए। जब आप रिसर्च में कोई बात कहते हैं, चाहे वो आप हाइपोथेसिस बनाएं, चाहे प्रॉब्लम बनाएं, चाहे आपकी फाइंडिंग्स हो, तो यू शुड हैव सम सपोर्ट, आपके पास कुछ सपोर्ट होना चाहिए अपना फाइंडिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए रैशनल बताना चाहिए। तो एम्पेरिकली आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको टेस्ट कर सकें, तो आपका जो मेथड होना चाहिए एम्पिरिकल होना चाहिए, दैट शुड बी मेजर्ड, दैट कैन बी टेस्टेड। नाउ कम टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जैसा कि इसका नाम है, वेरिएबल्स दैट कैन वेरी, जो चेंज हो सके, जिसको आप चेंज कर सके उसको बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल कोई कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है, कोई कंडीशन भी हो सकती है। वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, कंट्रोल्ड एंड ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व भी हो जाए किसके द्वारा, एक्सपेरिमेंटर के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया इंटेलिजेंस, एंजाइटी, एप्टीट्यूड, इनकम, ये सारा क्या है, वेरिएबल है। बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जेंडर, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, तो इस तरह से वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं जिन्हें आप मैनिपुलेट कर सके, चेंज कर सके, स्टडी कर सके। अब कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। तो पहला तो होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आई थिंक आप सबको पता होगा। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर स्टडीड, जिसका इफेक्ट आप स्टडी करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है,
जिस पर इफेक्ट देखा जाए, जो बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें तीन चीजें होती है, मैनिपुलेशन, मेजरमेंट और कंट्रोल। कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट क्यों करते हैं? अगर आप मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो उसका डिफरेंस आपको डिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं पता चलेगा। उसमें आप चेंजेस करके डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट देखते हैं तो आपको समझ में आता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स अपॉन क्लासरूम अचीवमेंट। तो आपके जो इफेक्ट टीचिंग मेथड है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, मान लीजिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, तो ये दो मेथड है, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका आप देख रहे हैं क्लासरूम अचीवमेंट, ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरीके से कर रहे हैं, इसको मेजर भी कर सकते हैं। क्लासरूम अचीवमेंट पे इसका इफेक्ट देखेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। और हमें जो प्रेडिक्शन होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है कि इस कंडीशन में ये पर्टिकुलर बिहेवियर किया जाएगा। अब अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे फ्लोर एंड सीलिंग इफेक्ट। इसको नाम से ही समझेंगे, फ्लोर का मतलब डाउन, टुवर्ड्स डाउन, सीलिंग का मतलब ऊपर की तरफ। तो फ्लोर इफेक्ट क्या होता है? जब आपने बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क दे दिया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो किधर होंगे? नीचे की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड टास्क था कि रिस्पॉन्डेंट उसको कर ही नहीं पाए। या फिर अगर आपने बहुत ईजी टास्क दे दिया तो आपके जितने भी रिस्पॉन्डेंट का रिस्पॉन्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि इतना ईजी था कि वो सब सबने उसको कर लिया आसानी से। तो आपका जो टेस्ट होना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, वो मॉडरेट होना चाहिए, जिसको सारे अच्छे से कर सके और सही रिस्पॉन्स दे सके। फिर हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ये दो तरह के वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या वेरिएबल्स होते हैं? जो जिनको आप नंबरिंग, उन वेरिएबल्स को आप कैटेगराइज करके ऑर्डर में नहीं रख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, या कह लीजिए मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए मेल और फीमेल है हमारे पास, तो आप मेल को 1 और फीमेल को 2 नहीं दे सकते हैं। इसमें आप ऑर्डरिंग नहीं कर सकते हैं, मेल को प्रायोरिटी और फीमेल को कम नंबर नहीं दे सकते हैं। तो आपका जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होता है वो कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं आप उसको, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे जेंडर, रेस, रिलीजन। फिर जो हमारा आ जाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे एज है, इंटेलिजेंस है, इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एज में हम ओल्ड एज को भी ले सकते हैं, बच्चों को भी ले सकते हैं, इनकी कैटेगरी बना सकते हैं, बच्चों को 1, ओल्ड एज को 2, फिर उनसे ज़्यादा जो बहुत सीनियर सिटीजन हैं उनको 3, इस तरह से दे सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी हम 1, 2, 3 ऑर्डरिंग कर सकते हैं फॉर्म को भी, बट क्वालिटेटिव में हम ये नहीं कर सकते हैं। फिर दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दो और तरह के वेरिएबल्स होते हैं, टाइप होते हैं क्वांटिटेटिव के। एक तो होता है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा होता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनको हम बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर में देख सकें या नाप या मेजर कर सकें, जैसे आपकी एज है, हाइट है, इंटेलिजेंस है या रिएक्शन टाइम है, आप इन सबको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर में आप उनको मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए एज है तो इसको आप ईयर, मंथ, वीक एंड इवन डेज में, आप इसको डेज में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह हाइट में भी आप मेजर कर सकते हैं, इंटेलिजेंस में भी। तो जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स होता है उसको आप एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं फाइन नंबर्स में, और जो डिस्क्रीट होता है उसको आप नहीं मेजर कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सेम एग्जैक्ट हो, जैसे कि अगर आप मान लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली स्टडी कर रहे हैं, तो किसी फैमिली में 3 भी हो सकते हैं, किसी फैमिली में 4 भी हो सकते हैं, ये आप इसको नहीं स्टडी कर सकते हैं, इसको आप नहीं नंबरिंग कर सकते हैं फाइन एग्जैक्ट नंबर। अब हम लोग आ जाते हैं मॉडरेटर वेरिएबल्स और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो हमारा मॉडरेटर वेरिएबल्स होता है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप स्ट्रेस लेवल को
स्टडी कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। तो अगर मान लीजिए हाई स्ट्रेस है और लो स्ट्रेस है, तो इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इफेक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन एक और वेरिएबल इफेक्ट डाल रहा है, सोशल सपोर्ट। तो ये एज अ मॉडरेटर काम कर रहा है। मान लीजिए स्ट्रेस अगर हाई है और सोशल सपोर्ट भी मान लीजिए बहुत ज्यादा आपको मिल रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप हाई स्ट्रेस में हैं और आपके पास सोशल सपोर्ट है, हेल्प मिलेगी, लोग आपके आसपास रहेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो यू विल हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन अगर स्ट्रेस लो है मान लीजिए और सोशल सपोर्ट अगर हाई है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी होगी, लेकिन लो है और सोशल सपोर्ट भी लो है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होगी। तो इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज स्ट्रेस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनका जो रिलेशनशिप है, इनकी जो स्ट्रेंथ है इन दोनों के रिलेशनशिप के, दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द थर्ड वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, दैट इज सोशल सपोर्ट। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके जो बीच का रिलेशनशिप है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, मॉडरेटर से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो मॉडरेटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की स्ट्रेंथ को उस पर इफेक्ट डालता है, इसी को हम लोग मॉडरेटर वेरिएबल कहते हैं। अब मीडिएटिंग वेरिएबल क्या कहते हैं इसको, इंटरवीनिंग वेरिएबल भी बोलते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने नोट मेकिंग का परफॉर्मेंस पर इफेक्ट देखा, नोट मेकिंग जितना अच्छा आप नोट्स बनाएंगे, जितना बढ़िया नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। बट देयर इज वन मोर फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, दैट इज नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, कितने घंटे आप पढ़ते हैं, नंबर ऑफ आवर्स का भी इफेक्ट पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस पर। तो नोट मेकिंग, आवर्स एंड परफॉर्मेंस, तो ये आपके इस पे नहीं इफेक्ट डाल रहा है, स्ट्रेंथ पे नहीं डाल रहा है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और नोट मेकिंग, और फिर मीडिएटर क्या है, आवर्स, कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं मीडिएटर, इंटरवीनिंग वेरिएबल। मॉडरेटर क्या होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है, कि अगर स्ट्रेस लेवल हाई होगा, सोशल सपोर्ट हाई होगा, तो क्वालिटी हाई होगी, और अगर स्ट्रेस लेवल कम होगा और सोशल सपोर्ट कम होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा तो क्वालिटी का इफेक्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी भी हो सकती है और नहीं भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो एक मिनिमम जो एक थ्रेशोल्ड होता है उस पर अच्छा हमें परफॉर्म करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप स्ट्रेस नहीं होंगे तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स है, कम्फर्टेबल है, पढ़ेंगे ही नहीं, तो उससे भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग हाई स्ट्रेस लेवल की बात कर रहे हैं और एज अ मॉडरेटर किसे देख रहे हैं, सोशल सपोर्ट को देख रहे हैं। तो आई होप कि आपको मॉडरेटर और मीडिएटर वेरिएबल में फर्क समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटर, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, या मेथड ऑफ टीचिंग है, दिस कैन बी मैनिपुलेटेड। यू कैन गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जैसे भी देख लीजिए। पनिशमेंट में आप हाई पनिशमेंट, लो पनिशमेंट, इंटेंस पनिशमेंट, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, रिवॉर्ड भी चेंज कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट चेंज एज, यू कैन नॉट चेंज जेंडर। मेल को आप एज अ मेल ही रखेंगे अपनी स्टडी में और फीमेल को एज फीमेल ही रखेंगे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। किसी का इंटेलिजेंस लेवल नहीं चेंज कर सकते। आप हाई आईक्यू वाले को हाई आईक्यू वाले ही ग्रुप में रखकर स्टडी करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, लो आईक्यू वाले को उसमें रखकर उसका इफेक्ट देखेंगे, बट यू कैन नॉट चेंज इट। तो एक्टिव वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग
लोग आगे बढ़ते हैं हाइपोथेसिस की तरफ। हाइपोथेसिस एक आपने जो प्रॉब्लम बनाई उसका एक टेंटेटिव आंसर होता है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम का। इसका एक जो आपने व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एंजाइटी, ये जो आपने इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस का जो आपने रिलेशनशिप देखना चाहा था अपनी प्रॉब्लम में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस, तो इसका टेंटेटिव आंसर क्या होगा? इफ द इंटेलिजेंस इज गुड, इफ समवन विद गुड आईक्यू, ही विल हैव अ गुड परफॉर्मेंस इन हिज, ही विल गिव अ गुड परफॉर्मेंस इन एकेडमिक। इस तरह से आप एक टेंटेटिव आंसर दे सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का, एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। हाइपोथेसिस जिसको आपको टेस्ट करना होता है, वो रिजल्ट या फाइंडिंग नहीं होती, वो एक टेंटेटिव आंसर होता है, फिर आप उसको आगे टेस्ट करेंगे। एक अच्छी हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, दूसरा आप इसे टेस्ट कर सकें, फिर जो आपका थ्योरी और फैक्ट है उससे ये रिलेटेड होनी चाहिए, और लॉजिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। बहुत अच्छी होना, ऐसा भी नहीं कि बस लिखते ही जा रहे हैं, बहुत लॉजिकल होनी चाहिए और बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस देख लेते हैं। इसमें एक होता है डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। जो आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है वो वन टेल्ड हाइपोथेसिस होती है, जिसमें आप डायरेक्शन बताते हैं कि हाई आईक्यू मींस गुड परफॉर्मेंस, ये आप एक डायरेक्शन बता रहे हैं, तो ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस है और इसको बोलते हैं, इसका जो इफेक्ट होता है कि ये नेचर इफेक्ट और एनवायरनमेंट, हाँ कि इसका ये आपका आईवी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका इफेक्ट आपका अच्छा पड़ेगा ये आप बता रहे हैं, बुरा पड़ेगा तो ये भी डायरेक्शन ही बता रहे हैं आपकी। लो आईक्यू मींस बैड परफॉर्मेंस या पुअर परफॉर्मेंस, ये भी आप एक डायरेक्शन ही दे रहे हैं। बट टू टेल जो होती है, नॉन डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस होती है, उसमें आप ये डायरेक्शन नहीं बताते, आप बताते देयर विल बी अ डिफरेंस इन नंबर्स और आर करेक्टली रिकॉल्ड, कितने नंबर्स करेक्टली रिकॉल करते हैं बच्चों में और अडल्ट्स में, दोनों में डिफरेंसेस होगा, आप ये बता रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि अडल्ट्स ज़्यादा अच्छा करेंगे चिल्ड्रेन के कंपैरिजन में, आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वो वन डायरेक्शनल हो जाएगी, वन टेल हो जाएगी। लेकिन जब टू टेल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, तो यू जस्ट से देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन आप बताते नहीं है कि कौन अच्छा करेगा कौन नहीं अच्छा करेगा, तो ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हो गई। अब हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। जब आप कोई रिसर्च करते हैं, मान लीजिए हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा था इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस, ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम थी, मान लीजिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस, ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम थी। फिर आपने इससे हाइपोथेसिस टेंटेटिव आंसर दिया कि हाई आईक्यू विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस, या आपने उसकी एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाई। लेकिन इस हाइपोथेसिस को आपने, ये आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है, आपको इसी को स्टडी करना है कि हाई आईक्यू वाले अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बट देयर इज वन मोर हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब होता है कि जो आपका हाई आईक्यू है और गुड परफॉर्मेंस है जो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर गुड परफॉर्मेंस आ रही है तो वो हाई आईक्यू की वजह से नहीं आ रही है, कुछ और वजह होगी, मींस कि हाई आईक्यू और गुड परफॉर्मेंस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब आप ये कहेंगे तो दैट वुड बी नल हाइपोथेसिस। सो व्हाट इज द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको आपको स्टडी करना है अपनी रिसर्च में, हाई आईक्यू वाले गुड परफॉर्मेंस करेंगे, ये आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है। फिर आपने जब डेटा कलेक्शन किया, फाइंडिंग्स पाई, आपको अगर ये मिल जाता है तो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। ये एक्सेप्ट हो गई। और अगर मान लीजिए इन केस आपका डेटा इस तरह का था जिसमें हाई आईक्यू का गुड परफॉर्मेंस पर इफेक्ट नहीं दिखा, कि आपने हाई आईक्यू वालों को लिया था बट वो परफॉर्मेंस जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छी होनी चाहिए नहीं हुई, तो फिर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है और रिसर्च हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाती है। ज़्यादातर रिसर्चर्स कोशिश करते हैं कि उनकी
ये रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए. बट इन केस योर रिसर्च हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड, अगर आपकी नहीं एक्सेप्ट होती है तो भी परेशान होने की बात नहीं है. देन यू विल हैव टू सी सम लिटरेचर, सम वेरिएबल्स, सम फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस. तब आप ऐसे रिसर्च को देखेंगे अपने डेटा को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फाइंडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए, जो ये दिखाएंगे कि नल हाई आईक्यू और गुड परफॉर्मेंस में इफेक्ट नहीं है. आप ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत सारे और फैक्टर्स थे गुड परफॉर्मेंस के, वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे एज कम्पेयर टू हाई आईक्यू. तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस होगी. आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा. आज के लिए ही इतना, कल हम फिर यूनिट 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, जो यूजीसी का सिलेबस है रिसर्च मेथोडोलॉजी का. कल भी हम यूनिट 2 ही को करेंगे.